हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आज आपको एक ख़ास जगह अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा, नॉर्मली जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड सब चीज़ें अलग होती हैं। आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने ही घर के बाहर हूँ इस समय और एक ख़ास जगह पे जा रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट कि आप सब लोग भी मेरे साथ वहाँ पे चले, ठीक है जी? तो चलिए चलते हैं, फिर बैठते हैं गाड़ी में, आ जाइए साथ मेरे। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं बेटा दिल्ली के हरी नगर एरिया में। वेस्ट दिल्ली में पड़ता है ये हरी नगर, और मैं आज जा रहा हूँ कुछ छोटा सा अपनी तरफ से कह दीजिए ना, एक एफर्ट करने। आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी चारों तरफ बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और ऐसे में लॉकडाउन है दिल्ली में इस समय। पता नहीं कितने दिन और चलेगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय अपना रोजगार जो है वो खो चुके हैं। लॉकडाउन लगा देना तो बड़ा आसान है कि कह देना कि भाई हम कोरोना को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम ये बात भी बड़ी जरूरी हो जाती है कि जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर हैं जिन्होंने उसी दिन कमाना है और उसी दिन खाना है, उनके लिए कितना कठिन हो जाता है एक दिन की रोटी का भी कह दीजिए कि इंतजाम करना, है ना। सो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट करने जा रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, कोई भी चीज, वो मैं उन लोगों के लिए कर पाऊं। मेरी आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से अगर कोई भी थोड़ा बहुत जितना भी आप कर पाए वो जरूर कीजिए। चाहे अपने पड़ोस में किसी गरीब के लिए, आप अपने घर से ही आधा किलो चावल, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, जितना भी आप कर पाए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल और केवल इतना है कि मैं बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं या मोटिवेट कर सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरे करने से किसी की तकदीर बदल जाएगी या कोई रातों रात अमीर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के दुख की घड़ी में अगर मैं थोड़ा सा भी कोई एफर्ट कर पाऊं, है ना, तो वो मुझे जरूर करना चाहिए। सो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के इस दिन थोड़ी सी ये कोशिश करने जा रहा हूं, और वीडियो का मकसद केवल और केवल यही है कि आप लोग भी अपनी तरफ से जितना भी कर पाए जरूर कीजिएगा। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है जी? तो अभी पहुंचते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ लोगों से मिलवाता भी हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, हर चीज की, सारी नॉर्म्स का, प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे इस समय, क्योंकि गाड़ी में मैं अकेला हूं इसलिए जो है मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है जी? ओके, मिलते हैं। मैंने इन पैकेट्स में कुछ सामान है, कुछ राशन का सामान है, चावल है, दाल है, कुछ मसाले हैं, सरसों का तेल है। सो आई एम जस्ट डूइंग माई बिट, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी जितना कर पाएं वो ज़रूर कीजिएगा इस मुश्किल घड़ी में। नमस्ते जी, इसमें राशन का कुछ सामान है, ठीक है, आप ले लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते। इसमें राशन की कुछ चीजें हैं, देख लीजिए आपके काम की। सरसों का तेल है, कुछ मसाले। ये लो जी, राशन का कुछ सामान है, ये ले लीजिए, चावल है और दाल वगैरह है, ले लीजिए। मैं जो आता हूँ, एक और भी जो आता हूँ, मैं फिर आऊँगा दोबारा, फिर कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। ये लो भी, परेशानी हो रही होगी आपको इन दिनों में, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कितना भी कर पाए आगे जाके, ठीक है? दुआ कीजिए परमात्मा से, बीमारी जल्दी खत्म होगी। बच्चे आओ इधर, तुम्हें फ्रूटी दूंगा, इधर आ, मेरे पास फ्रूटी है, एक उनको ध्यान से, ध्यान से। ये
आई थिंक मैंडेटरी है, आप जब भी गाड़ी से बाहर उतर रहे हैं अनजाने में कोई ना कोई चीज़ टच हो जाती है ना, तो अपनी सुरक्षा के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने गाड़ी में सैनिटाइजर की बॉटल रखी हुई है, ये एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है ना। आप भलाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल होकर के कहीं भी हमने गड़बड़ नहीं करनी है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। राहुल आई थिंक इधर भी हैं, हम यहाँ भी गाड़ी रोक सकते हैं एक मिनट, है ना। राशन का कुछ सामान है ये आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें फ्रूटी भी होगी, एक फ्रूटी का ये भी, और मास्क जरूर पहन के रखें। अच्छा ला उनको सो रही है, दे दो आप, दे देना। राशन का कुछ सामान, क्या हमारी तरफ से कोशिश आएगी, आप भी अपने तरफ से किसी का कुछ भला कर पाए थोड़ा बहुत इस समय जरूर कीजिएगा। किसी को मुफ्त में यहाँ से वहाँ छोड़ना भी पड़े तो वो भी जरूर करें, जितना आप कर सकें। इस मुश्किल समय में मिलता है भाई, हम लोग कुछ छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल जरूर कीजिए, और मास्क जरूर पहन के रखें। चलो भैया राशन का कुछ सामान है ये, ठीक है जी। चलो मास्क हमेशा पहन के रखना है, ये नहीं उतार उसको कर देंगे। आप लोग भी मास्क जरूर लगा के रखो, चाहे कोई भी सादा कपड़ा अपना बांध के रखो ऊपर, ऐसे नहीं रहना है। राशन का सामान है ये, इसके लिए फ्रूटी देता हूँ मैं भी। पीनी है तूने फ्रूटी? क्या नाम है आपका? रोशनी, बड़ा सुंदर नाम है। ऐसे बांध के जरूर रखो। राहुल दे देना, मास्क जरूर लगाओ, चाहे आप कोई छोटा कपड़ा पुराना कपड़ा ही बांध के रखो, पर मास्क जरूर लगाना है। बच्चे आपने भी लगाना है। क्या काम क्या करते हैं? ये लो एक रिकॉर्ड। रुको मैं फ्रूटी देता हूँ तुम्हें, दो ही नहीं मेरे पास, फिर अगली बार और ले। बाय बाय, मैं अगली बार आता हूँ, यहाँ भी मैं निकलते हुए दे जाऊँ। आप अपने फोन माई फ्रेंड्स, ऑल माई राजा बेटा नानी बेटियाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता था। इट वॉज जस्ट अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड, बहुत छोटा सा मेरी तरफ से एफर्ट था, एंड कोशिश करूंगा कि परमात्मा मुझे और इतनी शक्ति दे कि मैं बार बार ऐसा कर सकूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से ऐसा एफर्ट जरूर कीजिए, जितना भी आप कर पाए। बहुत मुश्किल समय, इस समय बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो दिन में शायद इस समय एक समय का भी अनाज जिन्हें नसीब नहीं हो रहा। परमात्मा ने मुझे जितनी भी शक्ति दी है, जितनी भी मेरी हैसियत है, उसके अनुसार मैंने एफर्ट करा है ये आज। आप भी ज़रूर कीजिएगा, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। राइट जी, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। बाय बाय।